हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लास क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3। हमने जो स्टार्ट किया था उसे हम कंटिन्यू डिस्कस करते हैं, प्लेइंग विद नंबर्स। टुडे वी आर डिस्कस प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर is the number that is divisible by one and the number itself। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो वन से डिविजिबल हो और खुद उस नंबर से डिविजिबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अगर अदर वे में हम डिस्कस करें कि प्राइम नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्राइम नंबर की टू से। अब देखिए, टू में वन का भी डिवाइड जाता है और टू में टू का डिवाइड और अदर नंबर का नहीं जाता है। इसके पास खाली दो ही फैक्टर हैं, वन एंड इटसेल्फ। ऐसे थ्री के बाद फाइव के बाद सेवन के बाद इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन एंड सौ। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके फर्स्ट खाली हमारे पास टू फैक्टर हो, इटसेल्फ एंड वन। तो आपको याद रखना है प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? टू से। टू थ्री फोर सॉरी टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन एंड नाइनटीन एंड सो। अब देखिए, आपको ये भी रिमेंबर रखना है, बस एक के अंदर इवन नंबर होता है। इवन नंबर बस खाली क्या होता है? टू। बाकी सारे ऑड नंबर होते हैं। जितने भी आगे आप फाइंड करोगे वो सब क्या होंगे? ऑड नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जस्ट इसका ही रिवर्स होगा। प्राइम नंबर के अंदर तो ओनली टू फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर्स में टू से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। इट मीन्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। अब जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारे पास? फोर से। फोर के बाद देखिए सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी एंड सो। तो कंपोजिट नंबर में देखिए, जैसे फोर को डिस्कस करें, अब फोर का जो डिवाइड है, फोर वन से भी डिविजिबल है और फोर टू से भी डिविजिबल है और फोर हमारे पास फोर से भी डिविजिबल है। तो टू से ज़्यादा फैक्टर होंगे ना, मोर देन टू फैक्टर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे सिक्स को अगर डिस्कस करें तो सिक्स में वन का डिवाइड जाएगा, सिक्स टू से भी डिविजिबल, सिक्स थ्री से भी डिविजिबल और सिक्स खुद सिक्स से भी डिविजिबल। तो इसके कितने फैक्टर हो गए हमारे पास? वन टू थ्री फोर, फोर फैक्टर हो गए। हो गया ना टू से ज्यादा फैक्टर। तो कहने का मतलब है जिसके पास खाली टू ही फैक्टर है तो प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर में ओनली वन का डिवाइड जाएगा और वो कंपोजिट नंबर के अंदर क्या होता है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग फोर से होती है और प्राइम नंबर की स्टार्टिंग टू से होती है। आपको इसमें एक चीज आपको रिमेंबर रखनी है, जो वन नंबर होता है वन न तो हमारे पास प्राइम नंबर है वो न कंपोजिट नंबर। तो आपको याद रखना है वन ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
What is the sum of any two odd numbers and even numbers? क्वेश्चन आपको odd और even numbers के बारे में knowledge होनी चाहिए. अब देखिए even number क्या होते हैं हमारे पास. Even numbers जो two से divisible हों. तो even number की starting 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. ये हमारे पास क्या होते हैं even numbers. और odd numbers क्या होते हैं हमारे पास. odd numbers जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस. जो 2 से डिवाइड हो even number और जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम क्या बोलते हैं odd numbers. 1 से स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7, 9 and so on. ये odd numbers होते हैं. तो आपको ये याद रखने. अब क्वेश्चंस करते हैं. व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स. कोई भी आप दो ऑड नंबर ले और उसका सम क्या आएगा रिजल्ट, ये आपको बताना. तो सॉल्यूशन देखते हैं. ऑड नंबर आप कोई भी ले सकते हैं. देखिए ऑड नंबर का ग्रुप ये है. सपोज आपने और फॉर एग्जांपल ऑड नंबर आपने एक 3 लिया और एक प्लस 5 लिया. ऑड नंबर्स में व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू. तो ऑड नंबर्स में 3 एंड 5. अब इसका सम किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या है 8. एग्जांपल ले सकते हो और अदर ऑड नंबर ले सकते हो. तो 7 प्लस 9 लिया हम. 7 प्लस 9 तो 16 आ गया. तो जब भी आप कोई टू ऑड नंबर उसका सम करेंगे ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास इवन नंबर. इवन नंबर देखिए डिवाइड जाता है तो 8 में भी जाता है और 16 में भी जाता है. इट मींस ये क्या है इवन नंबर. बी पार्ट करते हैं ऐसे इवन नंबर. इवन नंबर्स ऐसे आप टू कोई भी टू इवन नंबर्स ले सकते हो और उसका सम करके आपको बताने क्या है. सपोज आपने 4 प्लस 6 लिया. 4 प्लस 6 रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 10. सपोज आपने 8 प्लस 10 लिया कोई भी टू इवन नंबर उसका देखिए. इस केस में भी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 10 18 डिविजिबल है. इवन नंबर आ रहा है रिजल्ट क्या आ रहा है रिजल्ट इवन नंबर. तो दोनों ही केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आया इवन नंबर. ये आपको याद भी रखना है कि अगर हम टू ऑड नंबर्स कोई भी टू ऑड नंबर्स का हम सम करें ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा इवन नंबर. ऐसे टू इवन नंबर का सम करें तो भी रिजल्ट क्या आएगा इवन नंबर. आफ्टर दैट यार डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ए पार्ट द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. आपको बताना ट्रू है या फॉल्स है. लेकिन अब इसको एग्जांपल से ही डिस्कस करके चेक करेंगे. द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स के ग्रुप डिस्कस किए थे. कोई भी आप 3 ऑड नंबर्स लें और उसका सम करके चेक करें. जैसे 1 आपने ले लिया ऑड नंबर 3 ले लिया 1 3 5 3 ऑड नंबर है. इसका हमने सम किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सम करने पर क्या आ रहा है 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 आ रहा है. बट ये कह रहा है कि सम करने पर क्या आना चाहिए इवन. इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास फॉल्स. तो ए पार्ट हमारे पास क्या हो गया फॉल्स. बी पार्ट को भी आप ऐसे एग्जांपल से चेक करें. द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स. 2 ऑड नंबर्स 1 प्लस 3 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर. कोई भी एक इवन नंबर ले इसके साथ इवन नंबर हो और उसका सम करके रिजल्ट क्या आ रहा है 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6. तो रिजल्ट आ रहा है 6 और ये बोल रहा है इज इवन. इट मींस ये ट्रू है स्टेटमेंट इवन ही है. 6 हमारे पास क्या होता है इवन नंबर होता है. इट मींस जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है. ऐसे ही बाकी भी आपको क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के एग्जांपल से ही करने हैं.